गुड इवनिंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं नम्रता सोनू ने आज लाई हूँ एक और नई रेसिपी के साथ। मैं आज लाई हूँ फ़िश की रेसिपी। आज मैं बनाने वाली हूँ फ़िश कड़ी और फ़िश फ्राई। कैसे बनाते हैं मेरे स्टाइल में, साउथ इंडियन स्टाइल है ये, पर थोड़ा सा मेरा हैक है तो मैं आपको बताना चाहती हूँ। ये वीडियो मेरी मम्मी की एक क्लाइंट ने मुझे रिकमेंड किया था, जो कि उनका नाम है जोशी मैडम। तो उनके लिए मैं ये वीडियो बनाने हूँ खास, और आप भी मेरी रेसिपी को ट्राई कीजिए और मुझे लाइक शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये रेसिपी कैसे लगी। तो चलो ज़्यादा देर नहीं करते हैं हम और रेसिपी की शुरुआत करते हैं। आज मैं बनाने जा रही हूँ रू फिश का फ़िश फ्राई और फ़िश की कड़ी। तो मैंने दो पार्ट में डिवाइड करके ले लिया है। मैंने टेल और जो फ़िश का जो हेड रहता है वो, और जो पतले पतले स्लाइसेस रहते हैं जिसका फ्राई इतना क्रंची नहीं होता, तो वो हम लेंगे ग्रेवी के लिए, और बाकी के पीसेस हम ले लेंगे फ़िश फ्राई के लिए। तो पहले जो हम ग्रेवी करेंगे, जो हेड और टेल का है, तो वो फ़िश के पार्ट को पहले हम लेंगे, और इसे सॉल्ट के साथ और साथ ही साथ थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल के मैरिनेट कर लेंगे। नमक थोड़ा कम ही रखना, ताकि हम कढ़ी में भी नमक डालने वाले हैं मसाले में, तो वो ज़्यादा नहीं हो जाए, तो उसका थोड़ा ध्यान रखते हुए हम नमक का थोड़ा इस्तेमाल कम करेंगे। इससे अच्छे से मसल देंगे चारों तरफ से, अच्छी तरह से लगा लेंगे ताकि कोई भी पार्ट ऐसा मतलब फीका ना लगे खाने के वक्त। तो ये मैं ऐसे अच्छी तरह से मिक्स कर देती हूँ, अच्छी तरह से, बहुत अच्छी तरह से उसको साइड पर रख देती हूँ। और ये जो फ़िश फ्राई करने वाली हूँ उसमें मैं सारे मसाले डालूँगी। तो इसमें मैंने थोड़ा सा ले लिया है नमक स्वाद अनुसार, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, आप अपने फिश की क्वांटिटी के हिसाब से डाल सकते हो। मैंने ले लिया है थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और लाल टिक्का मसाला जो हमारे घर पे बनता है वो, और इसी के साथ साथ मैं थोड़ा सा ऐड करूँगी गरम मसाला। मैं जो रूम फिश का फिश फ्राई कर रही हूँ, कड़ी कर रही हूँ, आप कौन से भी फिश के साथ कर सकते हो ये। ये मैंने ले लिया है धनिया पाउडर थोड़ा सा, और उसके साथ साथ जाएगा थोड़ा सा आगरी मसाला जो मेरे पास था पहले से। तो ये है जीरा पाउडर। ये सारे मसालों को हम अच्छे से मसल लेंगे। ये मसाले फ़िश को अच्छी तरह से लगते नहीं है, तो हमें थोड़ा सा लेमन जूस के साथ साथ थोड़ा सा पानी का हाथ ले लेके इससे अच्छी तरह जब तक फ़िश मैरिनेट हो रहा है तब तक हम मसाले की तैयारी करेंगे। इसे मैं फ्रिज में रख दूँगी आधे घंटे के लिए लगभग, और तब तक हम मसाले की थोड़ी सी तैयारी करके ले लेंगे। आपके पास समय हो तो आप दोपहर में ही कर लीजिए, अगर आपको इवनिंग में करना है तो इसे ज़्यादा टेम्परेचर में नहीं, हाई टेम्परेचर में नहीं रखना है, कम टेम्परेचर में रखना है हमें, ताकि इसका बर्फ़ ना बने। सो फ्रेंड्स, मैंने कड़ी वाले पीसेस डाल दिए हैं फ्राई करने के लिए एक साइड पे, और एक साइड पे मैं अभी फ़िश फ्राई का जो मैंने अलग स्टोर करके रखा था, फ़िश को जो मैरिनेट करके रखा था अलग से, तो ये मैं अभी फ्राई करके लूँगी। बट फ्राई करने से पहले मेरा ये हैक है कि मैं थोड़ा सा चावल का आटा और थोड़ा सा रवा इसमें यूज़ करती हूँ, और उसी के साथ साथ थोड़ा सा हल्दी पाउडर, नमक और थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ले लेंगे हम, और इसी के साथ साथ कॉर्नफ्लावर पाउडर ले लेंगे। इस सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम, ये क्योंकि ड्राइड होता है और फिश जब हम फ्रिज से निकालेंगे तो उसमें थोड़ा मॉइस्चर रहेगा, तो उससे अच्छा कैच कर लेगा ये मसाला, जो ये रहेगा तो वो मसाला अच्छी तरह से कोट होता है और क्रंची होता है। तो हमें कभी भी फ़िश पलटने से पहले ये ऐसे पतला मतलब चम्मच लेना है। अगर आप फिर चम्मच से अगर हिलाओगे फिश को तो फिश टूटने के बहुत चांसेस होते हैं। और हमें कड़ी के लिए, जो हम फ़िश कड़ी बनाने वाले हैं, उसके लिए तेल थोड़ा ज़्यादा लगता है, तो जो तेल हम पहले यूज़ करेंगे इसी में हम मसाला भूनेंगे, तो इसी में मसाला में तेल ज़्यादा डालना पहले फ्राई करने से पहले। तो इसे अच्छी तरह से दोनों साइड से हम पका के लेंगे बारी बारी से। इसलिए आप देख सकते हो मैं जैसे वीडियो में बता रही हूँ बिल्कुल वैसे ही रेडी होने तक हमें उसे अच्छी तरह से फ्राई करना है। तो हाई फ्लेम में कीजिए, लो फ्लेम में कीजिए, जैसे आपको बनाना है वो हिसाब से।
तो तवा भी गरम हो चुका है और इसी में मैं अभी थोड़ा सा तेल ऐड कर दूँगी और इसमें ही मैं सारे अपने फिश बारी बारी डिप करके जो मैंने ड्राई पाउडर बनाया है उसमें डिप करके डाल के फ्राई कर लूँगी अच्छी तरह से। तो फिश फ्राई के लिए भी थोड़ा क्रंचीनेस होना चाहिए, तब ऊपर से जितना क्रंची होगा लेयर अंदर से उतना ही सॉफ्ट होगा। अब ये हैक ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो मैं बताती हूँ, ये मसाले मिली मिर्ची ले ली मैंने, अब मैं इसे अच्छे से कोट कर लूँगी चारों तरफ से जैसे कि आप देख सकते हो। ऐसे सारे कोट करते करते सब थोड़ा सा तेल गर्म हो रहा है, तब तक दो चार मैं कोट करके बताती हूँ आपको। और इसे ज़्यादा हार्डली 15 मिनट्स लगता है, ज़्यादा टाइम नहीं जाता है, क्रंची उतना ही अच्छा होता है। और अगर आपको क्रंच चाहिए ऊपर का लेयर और अंदर से एकदम सॉफ्टनेस एकदम च्यूनेस पाई चाहिए तो ये हैक ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप। मेरा हैक से बहुत यूज़फुल है आपके लिए, बहुत अच्छा बनेगा। तो ऐसे बारी बारी से मैं अपने हाथ को संभाल के, क्योंकि इसमें हम रवा यूज़ कर रहे हैं तो थोड़ा सा पॉप आउट होगा, तो थोड़ा हाथ को संभाल के आपको चटका नहीं लगे ऐसे तरीके से आप सारे फिशेस को फ्राई कीजिएगा। तो पहले हम थोड़ा थोड़ा फिश फ्राई होने देंगे, फिर साइड में थोड़ा सा कड़क होने रख देंगे। तो चलते हैं हमारे कढ़ी वाले फिश के तरफ। तो आप देख सकते हो कितनी अच्छी तरह से पक चुका है और कलर भी कितना अच्छा आया हल्दी और नमक से ही। सिर्फ इसमें मैंने कोई भी कलर एक्स्ट्रा ऐड नहीं किया, आपको पता है मैंने सिर्फ हल्दी और नमक ही यूज़ किया है। तो इसी तरह से ही हम अच्छी तरह से निकालेंगे। हमें तेल यूज़ करना है मसाले के लिए, ये बात आप अच्छी तरह से ध्यान रखिए और थोड़ा तेल ज़्यादा ही यूज़ कीजिए। मतलब एकदम डीप फ्राई भी नहीं करना है हमें, पर नॉर्मल फ्राई करके ले लेना है हमें। इसी तरह से मैं बाकी के पीसेस को भी ऐड करूँगी। ये फ्रिज से निकाल के 5-10 मिनट आप साइड पर रख दीजिएगा। अगर आप डायरेक्ट डालोगे तो आपको चक्का लगने के और चांसेस होते हैं, क्योंकि वो फ्रिज जो रहती है वो ठंडी होती है और डायरेक्ट तेल में डालने से उससे कपट होते हैं, तेल तिलकने लगता है। तो वो संभाल लीजिएगा। तो ये इसी तरह से ये भी फिशेज हम फ्राई करके ले लेंगे। सो गाइस, 5 से 10 मिनट के आप देख सकते हो थोड़े थोड़े फिश के कलर्स चेंज हो गए हैं। तो ये फिश फ्राई मैं आपको पलट के दिखाती हूँ। अभी ये वन साइड से ये पक चुका है तो इसे क्रंचीनेस आने को और टाइम है। तो इसी तरह से हम सारे फिश को पलट लेंगे। एक साइड से पक चुका है, इसे 5 से 7 मिनट्स हो चुका है मैंने एक साइड पर फ्राई करने के लिए रखा था। हमें तवा मीडियम फ्लेम पर रखना है, हाई फ्लेम में नहीं रखना है, क्योंकि इसके जलने के बहुत चांसेस होते हैं। तो ये चीज़ हमेशा हमें ध्यान रखनी है। तो आराम आराम से करना है, हमें घाय गड़बड़ नहीं करनी। अगर घाय गई से किए तो फिश टूटने के बहुत चांसेस होते हैं, तो हमें फिश तोड़ना नहीं है। अब ये देख सकते हो बीच के लेयर्स में कैसे अच्छे से क्रंचीनेस आ चुका है, पर बाकी के इसमें नहीं आ गया। तो कड़ी पीस भी हो चुका है एक साइड पर और एक साइड पर फ्राई की भी तैयारी हो चुकी है। तो हम जो फिश अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है उसे साइड में थोड़ा सा कर देंगे और ऐसे बीच में थोड़ी सी जगह रख देंगे ताकि जो एक्स्ट्रा तेल है वो साइड में हो जाए, आपके फिश में जगह लगे नहीं, थोड़े से क्रंचीनेस आने के लिए। तब तक हम थोड़ा सा पकाएंगे और ये तेल थोड़ा सा गर्म होने देंगे। थोड़ा सा गर्म होने के बाद इसमें मैं थोड़े से इमली के टुकड़े डाल दूँगी जिससे खट्टापन अच्छी तरह से आता है, ताकि ये तेल में पूरी तरह से अब्जॉर्व कर लेता है इमली, या तेल अच्छी तरह से अब्जॉर्व कर लेते हैं इमली का जो टेक्स्चर रहता है, जो फ्लेवर रहता है वो अच्छी तरह से इसमें उतर जाएगा। तो हमें जैसे हम नॉर्मली फ्राई करते हैं वैसे फ्राई करना है हल्का सा, और ऐसे फिश बीच बीच में ले लेके थोड़ा सा हल्का सा तेल से लगाना है उस साइड में ले जाना, ताकि एक्सेस ऑयल निकल जाए और जो फ्लेवर है इमली का वो अच्छी तरह से आ जाए। तो सारे फिश को हम कर लेंगे इसी तरह से, देख सकते हो मैं किस तरह से कर रही हूँ, बस इसी तरह से स्टेप्स फॉलो कीजिएगा तो आपको फिश खाने में मज़ा ही आ जाएगा। तो थोड़ा सा पलट पलट के भी हमें करना है दोनों तरफ से, थोड़ा सा खट्टापन आता है, अच्छा लगता है खाने के लिए। अगर आपके पास चटनी अवेलेबल हो पुदीने की या धनिया की तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो, अगर नहीं हो तो इस तरीके से कीजिए। तो कड़ी पीस बाकी के भी फ्राई हो चुके हैं, इसे भी मैं प्लेट में निकालूंगी अच्छी तरह से, फिर हम मसाले के प्रोसेस में बढ़ेंगे आगे।
देख सकते हो फिश अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है, सारा फ्लेवर इमली का अच्छी तरह से आ चुका है। अभी ये जो इमली जो हमने फ्राई किया था वो निकाल लेंगे ताकि कड़वापन नहीं आए। अब ये जो कढ़ी के लिए हमने जो तेल रखा था ना, वो तेल थोड़ा सा हमें इसमें डालना है फिश में, इससे भी मैं बताती हूँ क्यों डालना है। अब एक्स्ट्रा थोड़ा सा ऑयल हमें ऐसे निकाल के रखना है, ये भी मैं बताती हूँ क्यों, पर बाद में आप अच्छे से प्रोसेस देखिए। तो जब तक ये थोड़ा सा तेल गर्म हो रहा है, मैं इसमें हल्का सा पाँच से छः लहसुन के टुकड़े को अच्छी तरह से मैश कर लूँगी और इसके बीचों बीच डाल दूँगी ताकि लहसुन का भी अच्छा फ्लेवर आ जाए। लहसुन जैसे साउथ इंडियन टाइप अगर आपको हल्का सा करना है ना, तो थोड़ी सी मेहनत ज़रूरी है। अगर मेहनत करोगे तभी टेस्ट आएगा, तभी आपको फल अच्छा मिलेगा, तभी टेक्स्चर आएगा उसमें। तो आप कड़ी पत्ता होगा तो कड़ी पत्ता भी डाल सकते हो। तो एक साइड पर कड़ी का तेल जो है वो गर्म हो चुका है, इसी में मैं अभी कश्मीरी लाल मिर्च डाल दूँगी 3, और उसी के साथ साथ ये मैंने मसाले ले लिए हैं, मैंने कांदा, टमाटर, अदरक, लहसुन, थोड़ा सा सूखा खोबरा ले लिया है। और अभी और उसी के साथ साथ मैंने इमली डाल दी है। इमली लोग क्या करते हैं, भिगाते हैं मोस्टली, तो जिसके पास टाइम नहीं हो, अगर आप घाई घाई में बना रहे हो, आपके घर पे गेस्ट आए हैं या आपको कुछ और दूसरे काम करना है, तो ये मेरे हैक आप ट्राई कीजिए। आप डायरेक्ट भी डाल दीजिए, कुछ नहीं बस इसे ढक के छोड़ दीजिए 5 मिनट, अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। और ये मच्छी हो चुकी है और मैं मसाला आपको दिखाती हूँ। मसाला थोड़ा सा नरम होने देना है, हमें कुछ ज़्यादा फ्राई नहीं करना दोस्तों, क्योंकि हम ये मसाला अब क्या करेंगे, जैसे टमाटर नरम हो जाएगा ना तो इसे हम ठंडा करके मिक्सी से निकाल लेंगे। तो और बाद में इसे हमें तेल में और थोड़ा भुनना है दूसरे ड्राई मसालों के साथ, तो इसे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मेरे हैक से फॉलो कीजिए और ट्राई कीजिएगा ज़रूर। आप सारे अगर डिटेल में वीडियो देखोगे ना तो आपको पता चलेगा कि मैं सारी रेसिपी को बिल्कुल भी सेम नहीं करती हूँ, मेरे सारे रेसिपी में थोड़ा थोड़ा हैक अलग अलग होता है। तो डू वॉच माई अदर वीडियोज़ ऑल्सो, तो मेरे को बहुत अच्छा हेल्प होगा। आप लाइक शेयर भी करते जाइएगा, कमेंट करते रहिएगा, मुझे बताइएगा आपको पसंद क्या है क्या नहीं। तो ये आप देख सकते हो, वैसे मैंने मसाला निकाल लिया है ड्राई करके, ठंडा करके। तो इसमें मैं जो तेल हमने निकाल के रखा था ना प्रीवियस, जो फिश का ऑयल था, तो ये कढ़ी में अभी हम ये ऑयल यूज़ करेंगे, क्योंकि पहले मसालों ने अच्छी तरह से तेल ऑब्जर्व कर लिया था। तो अभी फिश कढ़ी है तो थोड़ा सा तेल तो चाहिए ही ना, तो मसाले में मजा आएगा। तो तड़के के लिए हमें लगेगा राई और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, और उसके बाद जब हम मसाले डालेंगे ना, हमें ये सारे मसाले यूज़ करने, लाल तिक्का मसाला, गरम मसाला, जीरा पाउडर, राई पाउडर और धनिया पाउडर और हल्दी। तो सबसे पहले हम डालेंगे जीरे सॉरी राई, एकदम टिपिकल साउथ इंडियन स्टाइल में आपको बता रही हूँ, और बीच बीच में थोड़ा सा मेरा हैक है जो बता रही हूँ। फिश देखिए आप ऑलमोस्ट हो चुका है, देखिए क्रंजनेस कितना अच्छा है। तो इसे हम पॉप आउट होने देंगे, अच्छी तरह से फूटने देंगे। राई हो या जीरा हो, जब तक वो पॉप आउट होता नहीं ना, तो उसका टेक्स्चर फ्लेवर आता नहीं, तो वो कच्चा कड़क कड़क लगता है खाने के टाइम पे, तो वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, बिल्कुल पूरा फ्लेवर चेंज हो जाएगा आपके मुँह का, टेस्ट चेंज हो जाएगा, तो वो मत कीजिएगा। और जब भी हम फिश फ्राई बनाएं या कौन सी कढ़ी बनाएं, तो कभी भी ये दो चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, जब तेल गरम हो जाए उसी में हमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालनी है, ताकि कलर अच्छा आता है मसाले का, और जो ग्रेवी का जो कलर है वो बहुत अच्छी तरह से निकलता है आता है। और दूसरा हैक ये है कि मैं कभी भी ग्रेवी में गरम पानी यूज़ करती हूँ। हाँ, बॉयल पानी से तेल अच्छी तरह से तरंग के ऊपर आता है, सारे मसाले बहुत अच्छी तरह से भुन जाते हैं, और कलर आप देख सकते हो, मुझे बोलने की कोई ज़रूरत नहीं, आप अभी से देख सकते हो कि कलर कितना अच्छा आया है। तो इसे और थोड़ा पकने देंगे तो आप देख सकते हो तेल कितने अच्छे तरह से छूट गया, और कलर भी आप देख सकते हो कितना अच्छा कलर आया है। तो ये जो बाकी का एक्सेस मसाला था ये वेस्ट नहीं करना, ठीक है, इसमें ये सब फ्लेवर रहता है, काय को वेस्ट करने का, इतना कमाते हैं हम किसके लिए कमाते हैं, वेस्ट करने के लिए नहीं ना। तो ये भी हम इसमें ऐड करने वाले हैं। तो मैंने ये साइड में पानी रख दिया था गर्म होने के लिए ऑलमोस्ट, और ये थोड़ा मसाला पकने के लिए। तो तेल अच्छी तरह से, और 5 मिनट के बाद आप देख सकते हो कितना अच्छा तेल आया। तो ये मैं
इसमें डाल दूंगी। मिक्सी में जो एक्स्ट्रा मसाले थे मेरे जो बचे हुए थे, उसमें थोड़ा सा सादा पानी ऐड करके मैंने इसमें डाल दिया है। अभी इसे थोड़ा सा चला लूंगी 1-2 सेकेंड के लिए, ताकि ये थोड़ा सा पानी गर्म हो जाए। और फिर उसके बाद हम देखिए, अब थिकनेस दिखाती हूँ मैं आपको पहले। तो थिकनेस आप देख सकते हो बहुत अच्छी तरह से, कलर भी आया है, आप कलर देख सकते हो कितना अच्छी तरह से आ चुका है मेरे भाजी में। तो कढ़ी इसी टाइप से बनाते जाइएगा, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कितना अच्छा बना था। तो ये मैंने गर्म पानी ऐड कर दिया है, बस इसे हल्का सा बॉईल आने देंगे हम। तो गर्म पानी डालोगे तो टाइम कन्वीनियंट है, टाइम भी ज़्यादा नहीं लगता, आपका ग्रेवी भी अच्छी तरह से मिक्स होता है। और फिर क्या चाहिए आपको, टाइम कम होगा, टाइम बचेगा, तब आप दूसरा काम भी कर सकते हो ना। इसमें मैं धनिया की पत्ती डाल दो और अच्छा फ्लेवर आ जाएगा, ठीक है। तो इसे एक बॉयल आने देंगे, देख सकते हो बॉयल आ चुका है। बस किस देर की देरी है, अभी जो हमने जो कड़ी पीस के जो फिश रखे थे वो ऐड कर देंगे हम, और 2-5 सेकेंड पका लेंगे। रूह मच्छी को ज़्यादा टाइम नहीं लगता ये याद रखिएगा, 5 मिनट इनफ है थोड़ा सा फ्लेवर निकलने तक। उसे फास्ट फ्लेम पे 2 से 3 सेकेंड तक फास्ट फ्लेम पे रखिए, बॉयल आ जाए, वैसे उसको स्लो फ्लेम पे रख के पकने दीजिए। हमें ज़्यादा हिलाना नहीं है मच्छी को, अगर हम ज़्यादा हिलाते रहेंगे बार बार ना, तो फिश क्रैक हो जाएंगे, और जो फिश के जो कांटे होते हैं वो मसाले में ऐसे मिक्स हो जाएंगे। तो वो ऐसे नहीं करना है हमें, हमें वेट करना है। तो आप देख सकते हो फिश ग्रेवी भी रेडी है, फिश कड़ी और मेरा फिश फ्राई भी रेडी है। सो हम ऐसे सर्व कर लेते हैं बहुत अच्छी तरह से। तो डू ट्राई माई रेसिपी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड लेट मी नो कि आपको कौन सी रेसिपी ज़्यादा अच्छी लगी। मेरे दूसरे रेसिपीज़ को भी ट्राई कीजिएगा, मेरे इंस्टा आईडी को भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब फॉलो कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, या थैंक यू सो मच जोशी मैम फॉर टेलिंग मी कि मैं क्या बनाऊँ, और आई होप आपको भी ये रेसिपी अच्छी लगी हो। तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। सो थैंक यू सो मच, चलो जाते हैं खाने के लिए, मेरे को तो वेट नहीं हो रहा है। तो आप भी आइए कभी मेरे घर पे, आपको भी खिलाते हैं। तो चलो ठीक है, बाय बाय।